बिसम रहीम वी आर डूइंग पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट इसमें हमने एक बात की थी एडवांस इन्फॉर्मेशन रेशो की तो अब इन्फॉर्मेशन रेशो की हम क्या कॉम्पोनेट्स हैं व्हाट आर द आज हम थोड़ी सी उस पर इन डेप्थ बात करेंगे हाउ इट्स बीइंग डन इन्फॉर्मेशन रेशो इज़ अ मयरमेंट ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न बियॉन्ड द रिटर्न ऑफ द बेंच मार्क हमने ओवर एंड अबव बेंच से क्या कमाया यूजली इन इंडेक्स कम्पेयर टू वॉलिटिलिटी उनकी फिर वॉलिटिलिटी कितना है वट आर दर्दर रिस्क एसोसिएटेड विद देंच मार्क यूज इज टिपिकली इन इंडेक्स दैट रिप्रजेंट द मार्केट और अ पर्टिकुलर सेक्टर और इंडस्ट्री जिस में हम जाना चाह रहे हैं उस इंडस्ट्री की बात है मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूँ मैंने पहले बात की थी इन्फॉर्मेशन रेशो जो है ये एक नॉर्मल वर्ड है इन फाइनेंस और ये दो तीन जगह डिफरेंट डायनेमिक्स में यूज होता है तो जब हम पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमारी बात ये हो रही होती है कि हमने जो रिस्क लिए हैं एक्टिव उसके बेस पे हमें एक्टिव कितना रिटर्न हमने कमाया दैट इज नॉर्मली रेफर टू एज इन्फॉर्मेशन रेशो इसके कॉम्पोनेंट्स एलिमेंट्स हमें थोड़े पता होने चाहिए ट्रैकिंग एरर पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस बेंचमार्क रिटर्न हमने दो एलिमेंट्स देखे थे और पोर्टफोलियो रिटर्न जो क्या है कि हमारे इस पोर्टफोलियो ने इस पीरियड में क्या रिटर्न कमाया है तो वो हमारा इस पीरियड का रिटर्न बेंच रिटर्न क्या है कि जिसको हमने बेंच बनाया है जो कि कोई स्पेसिफिक इंडेक्स भी हो सकती है या हमने खुद एक कॉम्बिनेशन भी बनाया हो सकता है कि इंडेक्स का वेट be so और समथिंग दैट कुड बी बेंच मार्क सो एनी बेंच मार्क दैट कुड बी देयर और ट्रैकिंग एरर क्या है स्टैंडन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पोर्टफोलियो एंड द बेंच मार्क रिटर्न के हमारा जो उसके साथ लिंकेज है वो हमारी कितनी ट्रैकिंग हम कर सकें आइडियली इफ वी आर ट्रैकिंग एन इंडेक्स सो हमारा ट्रैकिंग एरिमल या जीरो होना चाहिए अगर हमने बहुत अच्छी ट्रैकिंग की तो इट शुड प्रैक्टिकली जीरो नहीं होता लेकिन सम फ्रैक्शन इज देयर बट इट शुड बी मिनिमल तो इफ इट इज हायर दैट मीन वी हैव नॉट सक्सेसफुल ट्रैकड इट वेल एनी रेशियो दैट मईर एडजस्ट रिटर्न कैन हैव वेरी इंटरप्रिटेशन डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात हम यहाँ पर थोड़ा सा इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी बात करें क्योंकि हर इन्वेस्टर की एक अपनी सिचुएशनिंग है तो प्रोफाइलिंग सिचुएशनिंग के अकॉर्डिंगली द थिंग्स हैज डिफरेंट रिस्क टॉलरेंस मेरी हो सकता है रिस्क टॉलरेंस कम हो आपकी ज़्यादा हो एक इंडिविजुअल uh, की एज है ही हैज़ अ मोड एपीटाइड और टॉलरेंस एक पर्सन uh, हु उसकी केस में रिस्क टॉलरेंस इज़ मच लोअर तो उसकी फैक्टर्स उनकी एज फाइनेंशियल सिचुएशन किसी के पास और बहुत सारे एसेट्स हैं तो उसकी टॉलरेंस डिफरेंट होगी किसी के पास सिर्फ थोड़े से एसेट हैं उनकी रिस्क टॉलरेंस तो आर मल्टीपल फैक्टर्स जो कि इंडिविजुअल की फिर रिस्क टॉलरेंस वेरी कर जाती है इसी तरह उनकी फिर इंटरप्रटेशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिव रिटर्न वो भी वेरी हो जाती है एज ए रिजल्ट इन्फॉर्मेशन रेशियो इज़ इंटरप्रेटेड डिफरेंटली फॉर ईच इन्वेस्टर डिपेंडिंग ऑन their नीड्स देयर गोल्स उनकी रिस्क टॉलरेंस के वो क्या चाह रहे हैं किस पीरियड के लिए चाह रहे हैं जैसे एक बंदा अभी जिसने तीस पैंतीस साल का है उसका लॉन्ग करियर है और उसका एज uh, भी अच्छी है गुड लाइफ टू वर्क तो उसके लिए रिस्क टॉलरेंस फैक्टर्स डिफरेंट हैं रिटायर्ड के लिए डिफरेंट हैं तो ये इनकी बेस पर इनकी इन्फॉर्मेशन रेशियोज की जो इंटरप्रिटेशन होती है इन फाइनेंस ट्रैकिंग एरर एक्टिव रिस्क इज द मेयर ऑफ़ द रिस्क इन इन्वेस्टमेंट दैट इज ड्यू टू एक्टिव मैनेजमेंट कि हमने जो एक्टिवली डिसीजन लिए यानी कि हम बेंच से जो डिफ्रेशन की हमने डिफेंसीन की या हमने कोई अपनी चॉइस वाला काम किया तो उसकी बेस पे हमें क्या रिस्क हमने लिए और उसका क्या हमें लिंक की जाए तो एक्टिव रिस्क एक्टिव पोजीशन लेने की वजह से एक्टिव मैनेजमेंट की वजह से आपने क्या रिस्क लिया और उसका क्या आपको रिटर्न मिला इट इंडिकेट्स हाउ क्लोजली अ पोर्टफोलियो फॉलो इंडेक्स टू विच इट इज बेंच मार्क हम उसको बिल्कुल फुली फॉलो कर रहे हैं डेविएशन करें डेविएशन करने से हमें क्या अचीव हुआ हमने कितना रिस्क लिया और कितना उसमें रिटर्न हमें अचीव हुआ तो ये एक हमारी ये जो हमारी एक चीज होती है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट ये पॉलिसी लेवल पे डिसीन होता है कि हमने किस तरह अपने उसको जाना है हमने कितने लेवल की एक्टिव मैनेजमेंट करनी है द बेस्ट मैयर इज स्टैंड एविएशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन पोर्टफोलियो एंड इंडेक्स रिटर्न के जो इंडेक्स और हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न है उसकी स्टैंड एविएशन क्या है कितने ज्यादा डेविएट करता है एंड दैट इज द गेज टू मैयर द एक्सपोज ट्रैकिंग एरर फार्मूला इन द स्टैंड एविएशन ऑफ द कंपनी इसको हम कैसे देख रहे हैं अभी हम फॉर्मूले के थ्रू भी देखते हैं कि ये हाउ वी आर डेविएटिंग और उससे हमें वट वी आर अचीविंग आउट ऑफ इट यू कैन सी द फॉर्मूला ट्रैकिंग एरर के कॉन्टेक्स में कि वेरिएशन क्या है हमारे पोर्टफोलियो की और बेंच मार्क जो पोर्टफोलियो है उसके उसमें क्या उसकी आ रही है तो उसकी आप स्टैंड एविएशन जब निकालते हैं

रिफ्लेक्टिव ऑफ दिस ये बेसिकली हम लिंक डिवेलप करना चाह रहे हैं कि एक्टिव रिस्क लेने से हमें क्या अचीव हो रहा है आर वी गोइंग टू गेट इट और नॉट दैट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स फंड एक्सपेक्टेड टू हैव मिनिमल ट्रैकिंग मैंने पहले बात की थी अगर हमारा मकसद ही सिर्फ इंडेक्स को ट्रैक करना है तो फिर हमारा ट्रैकिंग का जो एयर है वो मिनिमम होना चाहिए क्योंकि हमारा मकसद हमने बना लिया कि जी मैंने के एस सी हंड्रेड को फॉलो करना है बस तो फिर मुझे तो उसको फुली फॉलो करना चाहिए कि उसमें फिर कोई भी हमारे पास गैप फैक्टर कम हो टाइमिंग डिफरेंस थोड़ा आता है लेकिन ट्रैकिंग एरर शुड बी मिनिमम इनवर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी है इनवर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का क्या होगा कि इंडेक्स से उल्टा जाना चाहते हैं हम तो उसका डायनेमिक ऐसे बने होंगे कि इंडेक्स अगर नीचे जा रही है तो हम ऊपर जाए तो वो फिर उसका बेंच के साथ लिंकेज भी उसी तरह होगी तो डिपेंड ऑन रिलेशनशिप ये सारा वर्कआउट करता है इसको हमें देख के अपनी यूटिलाइजेशन देख ली तो इन्फॉर्मेशन रेशो हमारा टूल है जिससे हम ये गेज करते हैं थैंक यू